स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली लेकर आया हूं मैं क्लॉजेस पर बेस्ट वीडियो, जिसमें आपको बताने वाला हूं डिटेल्ड में सबसे पहली चीज की क्लॉजेस क्या है, दूसरा नाउन क्लास क्लॉजेस क्या होती है, एडजेक्टिव क्लॉजेस क्या होती है, एडवर्ब क्लॉजेस क्या होती है और ये किस तरीके से वर्क करती है। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज दूंगा मैं करने के लिए, और ये जो है आपको बता दूं मैं फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद दो पार्ट और आपको देखने को मिलेंगे जिनमें आपको डिटेल्ड क्लॉजेस पूरी एक्सप्लेन की जाएंगी विद एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज। तो पूरे वीडियो को आपको एंड तक देखना है स्टूडेंट। साथ ही आपने अगर हमारा क्लॉजेस पर बेस्ड एक और वीडियो जो हमने एक साल पहले अपलोड किया था, उस वीडियो को करीब 6 लाख प्लस व्यूज मिले हैं, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन आप प्रेस करेंगे, यहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। हम इस वीडियो को डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज क्लॉज, क्लॉज है क्या भाई, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर नाउन क्लॉजेस, व्हाट आर एडजेक्टिव क्लॉजेस एंड व्हाट आर एडवर्ब क्लॉजेस। बहुत केयरफुली सुनना, मेरी गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद में लाइफ में कोई दोबारा कोई दूसरा वीडियो देखने ही नहीं पड़ेगा आपको, ध्यान से देखना। क्लॉजेस की बात करें तो हम सबसे पहले क्लॉजेस होता क्या है ये समझते हैं ना, तो मैं एक सेंटेंस बहुत छोटा सा एक सेंटेंस लिख रहा हूं जिसको आप बहुत अच्छा समझ जाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों से कहा आई नो वेयर, एक काम करता हूं यहां पर की बजाय मैं यहां लिख देता हूं आई नो, ध्यान से सुनिएगा, वेयर यू आर गोइंग। ओके देखिएगा, मैं जानता हूं जहां आप जा रहे हो कहां आप जा रहे हो। ये सेंटेंस आपका जो है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है राइट, जो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस के अंदर आपको बताना है कि क्लॉजेस क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी क्लॉजेस जो होती है वो एक आपका डिपेंडेंट सेंटेंस होता है। अब आप बोलोगे सर ये चीज क्या बोल दी आपने, नहीं डिपेंडेंट, और एक होता है स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट। तो मैं चाहता हूं पहले आप इनके मतलब को समझें कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। डिपेंडेंट का हिंदी मतलब होता है निर्भर, जो किसी पर निर्भर हो, है ना, और इंडिपेंडेंट का मतलब आप लोग सभी समझते ही हैं स्वतंत्र राइट, जो अपने आप में हो, जो किसी के साथ पर या किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता हूं। तो आपकी जो क्लॉजेस होती है स्टूडेंट्स वो आपकी डिपेंडेंट होती है, मतलब कि वो किसी पर दूसरे एक सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अब इस पूरे सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़े आई नो वेयर यू आर गोइंग, इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आई नो जो है ये आपका इंडिपेंडेंट है, जिसको बाकी के सेंटेंस से कोई मतलब नहीं है। वहीं दूसरी ओर यहां से लगाकर मैं इसको ब्लैक कर देता हूं, वेयर यू आर गोइंग, ये जो मैंने ब्लैक कर दिया है ये आपका जो है वो डिपेंडेंट है इस सेंटेंस के ऊपर, मतलब ये इतना स्टेटमेंट हो गया आपका क्लॉज। आ रही बात समझ में? और स्टूडेंट ये जो क्लॉजेस होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट सेंटेंसेस, आप चाहे तो क्लॉजेस के ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं डिपेंडेंट सेंटेंसेस, इन्हें हम लोग हिंदी में उपवाक्य भी कहते हैं, ये भी एक सेंटेंस ही होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये डिपेंड होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, बिल्कुल अच्छे समझना, तीन प्रकार के होते हैं क्लॉजेस आपके। पहला होता है नाउन क्लॉज, जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नाउन क्लॉजेस क्या है। दूसरा होता है स्टूडेंट्स एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है आपका एडवर्ब क्लॉज राइट। ऐसे से इस तरीके से बताऊंगा ना लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, पूरे सेशन को केयरफुली देखना। देखो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब बात करते हैं नाउन की, तो जब आपके सेंटेंस में आपका ये जितना हिस्सा जो है जो कि डिपेंडेंट होता है वो जब नाउन की तरह काम करेगा तो वो हो जाएगा नाउन क्लॉज। ओके दूसरा जब वो हिस्सा आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा स्टूडेंट तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, और जब वो एडवर्ब की तरह काम करेगा तो वो हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। गॉट इट? आज के सेशन में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं नाउन क्लॉज, आपको बताने वाला हूं कि नाउन क्लॉज क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। इसका सेकंड पार्ट उसमें बताऊंगा मैं एडजेक्टिव क्लॉज, और इसका थर्ड पार्ट उसमें बताऊंगा मैं एडवर्ब क्लॉज। और जिन्होंने भी ये तीनों पार्ट देख लिए उसको लाइफ में कभी भी क्लॉजेस में दिक्कत नहीं होगी। मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट के थ्रू इन तीनों को समझाता हूं, आप समझिएगा, फिर हम लोग नाउन क्लॉज को देखते हैं। देखिए मैं आपके सामने स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा आप लोग,
आपके सामने मैं दो से तीन सेंटेंसेस लिख रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने पहला सेंटेंस लिखा, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां से लिखता हूं, आई एम राइटिंग फ्रॉम हियर। द फर्स्ट सेंटेंस दैट आई एम राइटिंग, देखिएगा केयरफुली, समझिएगा बहुत अच्छे से। जो सबसे पहला सेंटेंस मैंने, यही वाला हम लोग ऐसा करते हैं, यही ले लेते हैं, आई नो वेयर यू आर गोइंग, ये हमारा हो गया पहला सेंटेंस, ठीक है। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टूडेंट्स दूसरा सेंटेंस, सेकंड वाला, ये पहला हो गया आई नो वेयर यू आर गोइंग, ठीक है, क्योंकि ये भी कोई ना कोई तो क्लॉज है, या तो नाउन क्लॉज है, या फिर एडजेक्टिव क्लॉज है, या फिर एडवर्ब क्लॉज है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, द प्लेस वेयर यू आर गोइंग इज गुड, ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, द प्लेस वेयर यू आर गोइंग इज गुड। और तीसरा देखो, वेयर यू आर गोइंग इज नॉट इज गुड। ये तीन सेंटेंस को केयरफुली देखिएगा स्टूडेंट्स आप। पहला सेंटेंस मैंने लिखा आई नो वेयर यू आर गोइंग, दूसरा मैंने लिखा द प्लेस वेयर यू आर गोइंग इज गुड, एंड वेयर यू आर गोइंग इज गुड प्लेस। स्टूडेंट ये तीनों सेंटेंस में से एक जो है वो नाउन क्लॉज है, एक है एडजेक्टिव क्लॉज और एक है एडवर्ब क्लॉज। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें से कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव और कौन सा एडवर्ब है। तो एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, नाउन जो होता है याद रखना, यह आपका एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, राइट। तो आप मुझे बताइए इन तीनों सेंटेंसेस में से कौन सी ऐसी क्लॉज है जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। आप अगर ध्यान से देखें तो वेयर यू आर गोइंग इज गुड प्लेस, तो इज गुड प्लेस इतना हो गया आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ये रहा आपका इतना सब्जेक्ट, मतलब कि वेयर यू आर गोइंग ये हो गया आपका नाउन क्लॉज। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, द प्लेस वेयर यू आर गोइंग। अब एडजेक्टिव क्लॉज की स्पेशलिटी क्या होती है, एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है ये विशेषता बताता है नाउन की, किसकी विशेषता बताता है भैया, नाउन की। तो इस सेंटेंस को देखो ध्यान से, द प्लेस वेयर यू आर गोइंग, तो यहां पर ये जो वेयर यू आर गोइंग इतना स्टेटमेंट है किसकी विशेषता बता रहा है, प्लेस की। और प्लेस क्या होता है, नाउन होता है, होता है कि नहीं। सो द वेयर यू आर गोइंग इज गुड, तो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग, जगह जहां आप जा रहे हो, तो ये यहां पर ये जो वेयर यू आर गोइंग किसकी विशेषता बता रहा है स्टूडेंट्स, प्लेस की। तो ये जो हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया यहां पर वेयर यू आर गोइंग, यहां पर वेयर यू आर गोइंग क्या हुआ था, नाउन क्लॉज, यहां पर वेयर यू आर गोइंग क्या हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज। और अगला सेंटेंस देखना, आई नो वेयर यू आर गोइंग, यहां पर नो क्या है आपकी, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बताती है, एडवर्ब बताती है। तो ये स्टेटमेंट आपका यहां पर हो गया एडवर्ब। जैसे आप बोलते हो ना एक सेंटेंस, आपने बोला एक सेंटेंस आई नो वेल या आई नो वेरी वेल, तो ये जो वेरी वेल आपने लगाया किसके बाद लगाया, नो के बाद लगाया, तो ये क्या हो जाती है आपकी, ये हो जाती है एडवर्ब। तो इसी तरीके से देखो, आई नो वेयर यू आर गोइंग, तो यहां पर ये जो वेयर यू आर गोइंग जो हुआ है ये है एडवर्ब, यह आपकी हो गई एडवर्ब, सॉरी ये हो गई आपकी एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, ठीक है, जिसमें ये वेयर शब्द जो आया है वो आपका हुआ है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। में थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड उसको समझाने में चला गया था, देखिए प्लीज। तो पहला सेंटेंस जिसमें वेयर यू आर गोइंग किसके रूप में काम कर रहा है, एडवर्ब के रूप में। दूसरा सेंटेंस द प्लेस वेयर यू आर गोइंग इज गुड, इसमें वेयर यू आर गोइंग किसके रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में। एंड तीसरा सेंटेंस वेयर यू आर गोइंग, इसमें ये नाउन क्लॉज के रूप में स्टूडेंट वर्क कर रहा है। उम्मीद करता हूं ये तीनों आपको समझ में आए होंगे। आज के सेशन में बताने वाला हूं डिटेल्ड में नाउन क्लॉज, और इसके तीनों पार्ट जरूर देखना तो ही पूरा फायदा ले पाओगे और लाइफ में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। साथ ही नाउन क्लॉज समझाने के बाद नाउन क्लॉज पर बेस्ड आपको एक्सरसाइज भी लास्ट में मिलेगी करने के लिए, उसको सॉल्व कर लेना, कभी लाइफ में नाउन क्लॉज में दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नाउ स्टूडेंट्स। अब आपको इसको देखकर सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा नाउन क्लॉजेस के बारे में, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि आज नाउन क्लॉजेस को डिटेल्ड बता रहा हूं इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले नाउन क्लॉज यहां पर इन सेंटेंसेस में वर्क कर रही है द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर यहां पर नाउन क्लॉज वर्क कर रही है, यहां पर नाउन क्लॉज वर्क कर रही है द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, और यहां पर नाउन क्लॉज वर्क कर रही है द ऑब्जेक्ट ऑफ अ
प्रीपोजिशन, राइट। तो आप लोग सबसे पहले नाउन क्लॉज किस तरीके से सब्जेक्ट के रूप में वर्क करती है आप ध्यान से देखिए, ब्लैक पेन से जितना भी लिखा हुआ है वो सारी आपकी नाउन क्लॉजेस है। अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट ही सेज अगेंस्ट अस इज फॉल्स और आपसे कहा फाइंड आउट द नाउन क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस में से नाउन क्लॉज फाइंड आउट करो, तो आपको ये लिख कर आ जाना है कि व्हाट ही सेज अगेंस्ट अस इज नाउन क्लॉज। ओके, ये स्टेटमेंट आपका नाउन क्लॉज है स्टूडेंट्स, और ये आपका, ये देखो इज फॉल्स, ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा इतना स्टेटमेंट पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, राइट। दूसरा सेंटेंस देखिए, वेयर ही लिव्स, जहां वो रहता है, वेयर ही लिव्स इज अ गुड प्लेस, तो ये इज अ गुड प्लेस आपकी वर्ब है, और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो आपका ये स्टेटमेंट है। तो वेयर ही लिव्स आपका हो गया स्टूडेंट नाउन क्लॉज, जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अभी आगे मैं बताऊंगा नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, अभी आगे इधर बताऊंगा नाउन क्लॉज आपके प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करेगा। समझिएगा, नाउन क्लॉज डिटेल में समझने का यही मतलब होता है, कोई सा क्वेश्चन भी एग्जाम में कहीं से भी आ जाए तो हमसे बनना चाहिए। दूसरा देखेंगे स्टूडेंट्स आप लोग, नाउन क्लॉज आपको ये तो पता ही चल गया कि नाउन क्लॉज को पहचानते हैं हम कैसे, नाउन क्लॉज जो होता है आपका नाउन की तरह वर्क करता है, राइट। आपको आगे मैं एडजेक्टिव क्लॉज बताऊंगा, उसमें नाउन और एडजेक्टिव दोनों के बीच में डिफरेंस को भी बता दूंगा, और मैंने ऑलरेडी आपको जो एग्जाम्पल अभी दिया था पहले, ठीक है, द प्लेस वेयर यू आर गोइंग आई नो, उसमें आपको बताया था मैंने तीनों एग्जाम्पल्स कि एडजेक्टिव क्लॉज का एग्जाम्पल कौन सा, एडवर्ब क्लॉज का एग्जाम्पल कौन सा, और जो आपका नाउन क्लॉज है उसका एग्जाम्पल कौन सा है। ऐसे ही अगला देखिए, हाउ ही वॉन द फर्स्ट प्राइज इज सरप्राइजिंग इंसिडेंट, तो यहां से यहां तक का पूरा ये जो है प्राइस तक का ये पूरा आपका नाउन क्लॉज है जो कि सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहां पर देखो नाउन क्लॉज किसके रूप में वर्क कर रहा है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है, मतलब देखो दे से आपका एक सेंटेंस और दैट दे आर दैट दे वॉन्ट डू दिस, ये स्टेटमेंट आपका हो गया स्टूडेंट्स नाउन क्लॉज यहां से यहां तक। ऐसे देखिए इसमें आई डोंट नो व्हाट ही इज सेइंग, मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहा, तो व्हाट ही इज सेइंग आपका नाउन क्लॉज हो गया। टेल मी व्हाई शी डिड नॉट कम टुडे, राइट, तो यहां पर व्हाई शी डिड नॉट कम टुडे आपका नाउन क्लॉज हो गया। द क्वेश्चन इज हाउ ही हैज गॉट दिस इंफॉर्मेशन, तो हाउ ही हैज गॉट दिस इंफॉर्मेशन आपका नाउन क्लॉज हो गया। और इसी तरीके से देखो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आपको काम करते हुए दिखेगा, डोंट बिलीव इन, बिलीव मत करो व्हाट दे से, जो वो कहते हैं, तो व्हाट दे से जो है यहां तक ये आपका हो गया नाउन क्लॉज। ऐसे देखो शी लाफ्ड से यहां से लगाकर यहां तक का, शी लाफ्ड एट व्हाट ही वॉज डूइंग, उसको हंसी आ गई उस बात पर जिस जो काम वो कर रहा था उस पर, तो एट व्हाट ही वॉज डूइंग। प्लीज रिप्लाई, सॉरी प्लीज पे अटेंशन, मैंने यहां प्ले लिख दिया है, प्लीज पे अटेंशन टू What I am teaching, आप उस पर ध्यान दो जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो what I am teaching, this is the noun clause students। उम्मीद करता हूं session में आपको noun clause बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। अब मैं आपको कुछ दे रहा हूं exercise यहां पर करने के लिए, जिसमें आपको पहचानना है कि कौन सा statement noun clause है। Let's see। Now students, इन sentences को आप देखिए ध्यान से, exercise of noun clauses, find out the noun clauses in the following sentences, दिए गए sentences में noun clause को find out करना है। पहला sentence मैं चाहता हूँ आप इसका screenshot ले ले और आप पहले खुद इसको solve करें, आप video को यहाँ पर pause कर दें, आप इसको पहले खुद solve करें, आप देखिए आप कितने सही कर पा रहे हैं। पहला sentence है आपका I don't know what he, what you know, I don't know what you know, मुझे नहीं पता जो तुम्हें पता है, I don't know what you know, तो आपको इसमें से क्या लगता है कि कौन सी noun clause है। अगर आप ध्यान से देखें तो I don't know ये आपका हो गया पूरा एक statement, और know आपकी हो गई verb, इस verb का object क्या हो गया, object हो गया आपका what you know, तो मैंने आपको क्या बताया था object के तौर पर काम करता है आपका noun clause, तो what you know ये इतना हो गया आपका noun clause। उम्मीद करता हूँ आपने भी यही निकाला होगा। दूसरा देखिए, she says that She has no idea what to do. तो यहां पर भी देखो आप, she says verb के बाद में पूरा स्टेटमेंट यहां से यहां तक पूरा आपका नाउन क्लॉज है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मत सोचना what to do अलग से, पूरा वहीं से लगाकर यहां तक पूरा नाउन क्लॉज है। I don't know whether they enjoyed my class, मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरी क्लास को एंजॉय किया या नहीं किया, this is the noun clause students। Can you tell me who did this? Noun clause, and there is no sense in what he
सेज नाउन क्लॉज। तो इस तरीके से आप देखें तो सारे स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिए, सरल था एक प्रकार से काफी ज्यादा। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है इसके जस्ट बाद में, वो रहेगा एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज पर बेस्ड। होप स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा, बिल्कुल इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।